वो बोले हम पेशेंटली सुनते हैं, हम बोलेंगे वो पेशेंटली सुने। बिल्कुल इसी तरह अगर ये प्रैक्टिस है कि 10 बजाना है तो इतने 10 यहाँ पे बजते रहेंगे, उसकी आवाज भी नहीं जाएगी। चले चले आप तशरीफ रखे। सना बलोच साहब अपनी बात मुख्तसर नजर रखे। ऑर्डर इन द हाउस। शुक्रिया। ऑर्डर ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। जनाब जनाब स्पीकर देखें, हम जनाब स्पीकर ऑर्डर ऑर्डर इन द हाउस। अच्छा जय साहब आप दो मिनट तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। आप दो मिनट तशरीफ रखें, इसके बाद फिर मैं आप और सरदार साहब को बोलने का मौका देता हूं। स्पीकर साहब ने बोल दिया। लेट मी कंक्लूड जस्ट एक मिनट आपके पास है, आप बात सर देखें। स्पीकर साहब एक चीज बड़ी अहमियत की आमिल है, मेरे दोस्त मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपको क्योंकि आप में से अगर आप लोगों ने ये फैसला नहीं पढ़ा है, मैं आपको बचा रहा हूं एक मुश्किल और मुसीबत से। दूसरी बात यह जनाब स्पीकर देखें, कोर्ट का फैसला पढ़ना मेरे लिए इसलिए यहां पर जरूरी है कि हम चाह रहे थे कि हमने जो तजावीज सितंबर 2018 में दी, अगर उस वक्त आप लोग संजीदगी से उस पर अमल करते, अपोजिशन के साथ बैठते, पीएसडीपी को इस असेंबली में ले आते, उसको रिवाइज्ड हम करते, उसको ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस है प्लानिंग कमीशन के मैनुअल के तहत बनाते, हमारी मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन की कमेटियां होती। अच्छा जनाबे वाला, जनाबे स्पीकर एक लफ्ज कोर्ट का बोलना है, पढ़ना बहुत जरूरी है। कोर्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है, जब हमारी हुकूमत में सरदार साहब कोर्ट सर कोर्ट से मजीद भी पीएसडीपी बंद करवाया, पहले भी लोगों ने बंद करवाई है, ये भी बंद करवाया, हमें पता है कि ये बलूचिस्तान के आवाम के लिए क्या चाहते हैं। असगर खान साहब एक मिनट ये बात पूरे कर ले। जनाब स्पीकर आप ऑर्डर आप दो मिनट तशरीफ रखें, मेरे साथ भी पढ़ा हुआ है, आप दो मिनट तशरीफ रखें, आप बस खत्म कर दें आप मेहरबानी करके। कुमत का कंद है, आजान आजान शुरू है, आजान ये तो पिछला कुमत का कंद है। जनाब स्पीकर इसमें हम क्यों फंसा रहे हो? आजान शुरू है, आजान जनाब स्पीकर आजान आजान शुरू है, आजान इसका जवाब सुना जी रही देव।